असम में 31 दिसंबर के मौके पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के जारी होने से पहले राज्य की पुलिस और प्रशासन सतर्क है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक इस रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट जारी किया जाना है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल 31 दिसंबर की आधी रात को एनआरसी को जारी करेंगे। असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए उनका नाम इस रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। यह कदम असम में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि अवैध रूप से भारत में रहने वाले और इस रजिस्टर में जगह न पाने वाले विदेशियों को देश से बाहर किया जाएगा। इस वजह से इस सूची को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी के मद्देनजर राज्य में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। हालांकि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि जिन लोगों का नाम रजिस्टर में नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है।